हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कार्बन। तो आपका जो ग्रेफाइट का जो फाइबर होता है उसको प्लास्टिक मटेरियल में एम्बेडेड किया जाता है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट कॉम्पोजिट। अब जो ये कॉम्पोजिट प्रिपेयर हुआ है, इट इज यूज फॉर मेकिंग दी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, जैसे कि टेनिस के रैकेट्स, फिशिंग रॉड्स, एयरक्राफ्ट, कैनोज। तो ये सब बनाने के लिए इस कॉम्पोजिट का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रेफाइट है वो एक अच्छा कंडक्टर है फॉर द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इन द बैटरीज एंड इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। आपके जो क्रूसिबल्स होते हैं दैट यू यूज इन योर लैब्स, दे ऑल आर मेड फ्रॉम द ग्रेफाइट, बिकॉज ये क्या होती है कि इनर्ट होती है टुवर्ड्स द डाइल्यूट एसिड्स एंड अल्कलीज। तो जब ये इनर्ट होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ना ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी ना ही अल्कलीज के साथ, तो आपकी जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। नाउ बीइंग हाईली पोरस, एक्टिवेटेड चारकोल जो होती है इसका यूज किया जाता है फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ द पॉइजनस गैसेस। तो आपने जैसे देखा होगा कि आपके सराउंडिंग्स में कितनी ज्यादा पॉइजनस गैसेस होती है, या जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं वहां पे कितनी ज्यादा पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है, तो वहां पे इस एक्टिवेटेड चारकोल का यूज किया जाता है, दैट इज द फॉर्म ऑफ अ कार्बन। तो बीइंग पोरस ये क्या करता है कि उन गैसेस को अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है और जो पर्सन है वहां पे उसको उन पॉइजनस गैसेस से बचाता है। दिस इज ऑल्सो यूज इन द वॉटर फिल्टर्स सो एज टू रिमूव द ऑर्गेनिक कंटेमिनेटर्स एंड द एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू कंट्रोल ऑडर। तो वाटर फिल्टर्स जो है उसका यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज एंड इट इज यूज इन द एयर कंडीशनर सिस्टम, ताकि जो उसका स्मेल है उसका जो ऑडर है उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। कार्बन ब्लैक जो है इट इज यूज एज अ ब्लैक पिगमेंट इन द ब्लैक इंक एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ फिलर इन द ऑटोमोबाइल टायर्स। कोक का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, इट इज यूज फॉर द फ्यूल पर्पज एंड इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी प्रोसेस। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आप अपने क्लास 12th में जाके अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कोक जो है फॉर रिड्यूसिंग पर्पज यूज किया जाता है। डायमंड, इट इज रियली अ वेरी प्रीशियस स्टोन एंड इट इज यूज फॉर द ज्वेलरी पर्पज एंड इट्स वेरी कॉस्टली, सो इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन कैरेट्स and 1 carat is equal to 200 milligram. So these were some of the important uses of carbon that you have already observed in your daily life. आप इसको अपने आसपास देखते ही हैं. So thank you.